सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने शिमला शहर के अंदर देवभूमि और चौड़ेश्वर टैक्सी यूनियन के बीच जो विवाद चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, उस मामले का समाधान करने के लिए प्रदेश सरकार से और जिला प्रशासन से तुरंत सक्रिय हस्तक्षेप करने की मांग की है। अभी तक जो भी प्रयास रहे हैं वो नाकाफी हैं और लगातार शिमला शहर के अंदर क्षेत्रवाद का भी एक जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। हमारे देश का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 21 सभी को जीने का अधिकार देता है, आर्थिक स्वावलंबन का अधिकार देता है, रोजी रोटी कमाने का अधिकार देता है। तो इसलिए शिमला शहर के अंदर ये जो चर्चाएं चल भी रही हैं कि क्षेत्रवाद के आधार पर ही रोजी रोटी कमाने का अधिकार दिया जाएगा, इस पर जो सीटू राज्य कमेटी गहरी चिंता व्यक्त करती है। और एसडीएम शहरी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई है, हमारे ये भी गुजारिश है कि वो कमेटी जो तत्काल अपना काम करे, क्योंकि अभी वास्तव में आजकल ग्रीष्मकालीन सीजन चल रहा है और सबको मालूम है पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए टैक्सी ड्राइवर, होटल संचालक, होम स्टे संचालक, रेस्तरां संचालक, गाइड, कुली, टूर एंड ट्रेवल वाले, जितने ये लोग हैं, ये सारे लोग जो अपनी रोजी रोटी कमाने का जो सबसे सही मौका उनके पास होता है वो इसी सीजन में होता है। और इसलिए जो है इस सीजन में अगर इस तरीके से विवाद रहेगा तो इनके रोजगार पर एक गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे ना केवल इनको नुकसान होगा बल्कि इससे जो हमारे राज्य सरकार का जो राजस्व है उसको भी नुकसान होगा। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि ज़्यादातर जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं या जो पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं, ये कर्जा लेकर जो है अपने टैक्सियां और पर्यटन का कारोबार कर रहे हैं। तो अगर ये सीजन में इस तरीके से विवादास्पद स्थिति रहेगी तो कुल मिलाकर जो है जो ये कर्जा भी इन्होंने लिया और उसके जरिए जो अपने रोजी रोटी का संचालन कर रहे हैं उस पर एक विपरीत असर पड़ेगा। सीटू राज्य कमेटी का मानना है कि जिस तरीके से क्षेत्रवाद की जो हवा यहाँ पर फैलाई जा रही है, जहर घोला जा रहा है, उस पर तुरंत अंकुश लगना चाहिए। राज्य सरकार को इसमें और जिला प्रशासन को तुरंत सक्रिय पहलकदमी करनी चाहिए। शिमला शहर का एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी शिमला शहर को बनाने के लिए जहाँ जो यहाँ के स्थानीय शिमला के जो लोग हैं उनके साथ साथ प्रदेश के अन्य हिस्सों के लोग और प्रदेश के बाहर देश के भी अन्य हिस्सों के लोग जो है उनका एक बड़ा योगदान जो है शिमला शहर के अंदर रहा है। यहाँ की जो कामकाजी जनता है उस कामकाजी जनता में शिमला, शिमला के बाहर के जिलों के, प्रदेश के और देश के बहुत सारे नागरिकों का योगदान रहा है। तो सीटू राज्य कमेटी की ओर से हम यही कहना चाहते हैं कि इस विवाद पर तुरंत जो है लगाम लगे, तुरंत हस्तक्षेप हो, सरकार सक्रिय भूमिका निभाए, भाई भतीजावाद इसमें ना करे, निष्पक्षता से काम करे और राजनीति जिस तरीके से इसमें घुसेड़ी जा रही है उस पर अंकुश लगे और एक कानून व्यवस्था के तरीके से ही कानून व्यवस्था के मसले का निपटारा हो और सभी के लिए जो है जीने का अधिकार जो है, रोजी रोटी कमाने का अधिकार जो है, उसकी रक्षा जो है प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन करे।